Hello student, welcome back. So in last lecture we have discussed the power factor. So what exactly power factor is and the physical significance of power factor. Now in this lecture we will discuss the power factor improvement or power factor correction. Okay. So the process of increasing the power factor without altering the voltage or current to the original load is known as power factor improvement. तो power factor improvement की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें high power factor last lecture में हमने discuss किया था. Power factor हमको maximum चाहिए. Maximum मतलब 1 के करीब. तो अगर 1 के पास में है जितना ज़्यादा उतना ही हमारे लिए अच्छा है. तो कहीं भी अगर सिस्टम का पावर फैक्टर कम आ रहा है तो हम उसको इम्प्रूव हमें करना है, उसको 1 के पास ले जाना है. ठीक है, तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने कि जनरली हमारे जो इंडस्ट्रियल लोड या कोई लोड होता है इंडक्टिव होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमें अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं या फिर कैपेसिटर यूज़ करते हैं. तो कैपेसिटर बेसिकली करता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो एक रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है. ठीक है, तो हम देख रहे थे कि RL लोड था हमारा और उसमें कुछ नेगेटिव पोर्शन आ रहे थे रिएक्टिव पावर, उसकी वजह से एवरेज पावर कम आ रही थी. ठीक है, तो वो उनको उसको कंपनसेट करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं. तो कैपेसिटर जो है वो कुछ रिएक्टिव पावर को कम करता है, कैंसिल आउट करता है. तो मतलब रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है तो वो कैंसिल आउट होता है, तो उससे वजह से हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है. तो ये आपको कैसे ग्राफिकली वेक्टर से हम कैसे समझेंगे. सपोज ये हमारे पास कोई एक आरएल लोड था पहले. ठीक है, ये कोई आरएल लोड है हमारे पास. अब इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम पहले, मान लीजिए हमारा वोल्टेज है V. ठीक है, ये हमारा वोल्टेज V है और जब सिर्फ लोड था हमने कुछ कैपेसिटर नहीं लगाया है तो आपका ये था डायग्राम, फेजर डायग्राम आपका कुछ ऐसा था. ये आपका फेजर डायग्राम था. आई जो है कुछ समथिल थीटा एंगल से लैगिंग था, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, लैगिंग लोड है, तो करंट हमारी लैग कर रहे थे कुछ थीटा 1 एंगल से. ठीक है, अभी हमने क्या किया, थीटा 1 था तो कॉस थीटा 1 उसका पावर फैक्टर था. अभी हमने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया इधर पैरेलल में. तो क्या हुआ, कैपेसिटर में करंट होगी 90 डिग्री लीडिंग वोल्टेज की. तो कैपेसिटर करंट वोल्टेज का 90 डिग्री लीडिंग हो गया. ठीक, तो अब हमारा जो रिजल्टिंग करंट होगा I, वो वेक्टर सम होगा IL और IC का. तो IL हमने पहले बना रखा, IC ये है हमारा, इसको इधर बना दिया IC. तो अभी जो रिजल्टिंग करंट आया हमारा ये. ठीक है, तो ये जो आपका है दिस इज योर रिजल्टिंग करंट. तो अभी हमारा जो पावर फैक्टर एंगल पहले ये था थीटा 1. ठीक है, तो इसका कॉस थीटा 1 होगा इसका पावर फैक्टर. अभी आप देख रहे हैं कि पावर फैक्टर एंगल जो है वो, पावर फैक्टर एंगल मतलब वोल्टेज और रिजल्टिंग करंट के बीच का एंगल. ठीक है, तो ये एंगल हमारा घट गया. तो एंगल घट गया तो इसका मतलब कॉस ऑफ एंगल बढ़ गया. ठीक है, तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया. तो बेसिकली हुआ क्या कि एक जो कैपेसिटर था, कैपेसिटिव करंट उसने जनरेट किया या फिर रिएक्टिव पावर उसने सिस्टम में जनरेट किया. अब पावर ट्रायंगल के डायग्राम में अगर टर्म में देखें, पावर ट्रायंगल हमको मालूम है, अगर ये हमारा P है तो ये हमारा Q होगा और ये S होगा. तो स्टार्टिंग में मान लें कि हमारा जो पावर थी वो P थी, एक्टिव पावर जो यूजफुल पावर है, और ये हमारा टोटल Q1 था. ठीक है, मान लिया Q1 था और ये हमारा S1 था. ठीक है, और तो ये जो एंगल उस टाइम बन रहा था ये थीटा 1 था और कॉस थीटा 1 इस टाइम का पावर फैक्टर था. ठीक है, अब हमको पावर फैक्टर अपना इम्प्रूव करना है. कितना करना है, कॉस थीटा 2 करना है. ठीक है, पहले कॉस थीटा 1 था, अभी कॉस थीटा 2 करना है. तो क्या हुआ, तो उसने क्या किया, एक कैपेसिटर ने अपना कुछ रिएक्टिव पावर इंट्रोड्यूस किया, रिएक्टिव पावर कैंसिलेशन हुआ. तो अभी रिएक्टिव पावर जो Q1 थी इतनी थी, वो घट के Q2 हो गई, इतनी रह गई. ठीक है, तो अभी जो हमारा ट्रायंगल है वो ये हो गया, इसका मतलब एंगल कम हो गया, ये एंगल कम हो गया तो पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया। अब इसका मैथमेटिकल अगर हम देखें एक्सप्रेशन इसी डायग्राम से, ठीक है, तो ये आपका पहले क्या था, पहले ये था S1 और ये टोटल आपका Q1 था और ये P था। तो उस टाइम पे देखें तो हमारा P क्या है, P होगा आपका S1 cos थीटा 1, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो S1 cos थीटा 1 और S1 sin थीटा 1 क्या हो जाएगा, वो Q1 होगा। तो ये जो Q1 है आपका वो S1 sin थीटा 1 और ये P है वो S1 cos थीटा 1, ठीक। तो इस तरह से हम Q1 को असल में हमको क्या है, रिएक्टिव पावर में ही डील करना है ने? क्योंकि जो कैपेसिटर है वो रिएक्टिव पावर, इतना रिएक्टिव पावर दे रही है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जा रहा है। वही हम कैलकुलेट करना है कि वो कैपेसिटर कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, अगर वो मिल जाएगा तो हम कैपेसिटर की रेटिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टिव पावर हमारे कुछ ये थी, ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, Q1 बाई P करोगे तो ये तो S1 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 आपका हो जाएगा P tan थीटा 1, ठीक है। अच्छा चलो इतना हो गया। अब हमने क्या किया, वो कैपेसिटर लगाया, वो कैपेसिटर का यहाँ पे आपने देखा इफेक्ट, कैपेसिटर की वजह से क्या हुआ, अभी Q2 हो गया ये रिएक्टिव पावर और ये आपका S2 एपरेंट पावर और ये एक्टिव पावर सेम है, एंगल लेकिन अब घट गया थीटा 2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें P आपका वही है S2 cos थीटा 2 यहाँ पे हो जाएगा, P चूँकि सेम है हमारा बेस, तो हमको उसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में देखें अगर छोटे वाले में तो इसको हम लिख सकते हैं S2 cos थीटा 2 P को, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर हमने लगा लिया, तो अब यहाँ से जो Q2 हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिखा ना Q1 P tan थीटा 1 बड़े ट्रायंगल में, तो अभी छोटा ट्रायंगल देखें अगर इसमें तो यहाँ पे हमारा जो Q2 होगा, दिस Q2 दिस विल बी P tan थीटा 2। जैसे यहाँ इस ट्रायंगल में हमारा Q1 था P tan थीटा 1, कैसे आया हमने देखा ये डिवाइड करके, तो इस ट्रायंगल में जो आपका ये Q2 होगा दिस वन, ये हो जाएगा P tan थीटा 2, ठीक है। तो ये जब P tan थीटा 2 हो जाएगा Q2, तो अब आपका QC जो है, हमको मेन ये चाहिए था QC, क्यों, क्योंकि हमें कैपेसिटर की रेटिंग चाहिए, कितना कैपेसिटर ले भाई, अगर पावर फैक्टर मुझे 0.7 से 0.9 करना है तो किस रेटिंग का कैपेसिटर लिया जाए, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैपेसिटर को कितना ज़्यादा, कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई करना है, ठीक है। तो वही QC हमको चाहिए, इतना रिएक्टिव पावर वो कैसे मिलेगा, तो आपको सीधे इस डायग्राम से देखते हुए लग रहा है QC इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सीधे दिख रहा है Q1 माइनस Q2, तो QC आपका सीधे हो जाएगा, Q1 हमारे पास मालूम है P tan थीटा 1 और Q2 मालूम है P tan थीटा 2, तो आपका QC क्या हो जाएगा, यहाँ से QC विल बी Q1 माइनस Q2 and this will be P tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। तो आपको मान लो थीटा 1, ये tan थीटा 1 क्या है, ये पावर फैक्टर जो पहले था उसका एंगल है और ये है आपका जो आपने पावर फैक्टर इम्प्रूव करके जहाँ तक जाना है, मान लो ये 0.7 था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा 1 होगा वो 0.9 तक जाना है आपको, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो थीटा 2 है, ठीक है। और P आपका एक्टिव यूजफुल पावर, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका कितना रेटिंग का कैपेसिटर, मतलब कितना केवीए रेटिंग कैपेसिटर को सप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास क्यूसी हो गया तो आराम से आप सी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा कि सिंगल फेज के लिए आपको सिंगल कैपेसिटर लगेगा और थ्री फेज की बात करेंगे तो कुछ कैपेसिटर बैंक लगेगा, डेल्टा कनेक्टेड और फिर स्टार कनेक्टेड, तो उसको मैंने अलग अलग सेपरेटली यहाँ पर समझाया हुआ है इस तरह से। तो अगर हमारे पास QC है, QC हमने निकाल लिया पिछले अभी फॉर्मूला में देखा, QC निकल गया और सिंगल फेज हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो जो भी सिस्टम का वोल्टेज होगा V RMS का स्क्वायर बाई XC मतलब जो भी रिएक्टेंस है कैपेसिटर का जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। V स्क्वायर बाई XC QC हमारे पास है, हमारे पास QC पहले से है, V हमारे पास है, ये यहाँ से हम XC निकल जाएगा, XC निकल जाएगा तो फिर आपका कैपेसिटर निकल जाएगा। तो सीधे सीधे हम ये फॉर्मूले में भी रख सकते हैं कि QC डिवाइड बाई VRMS का स्क्वायर इंटू ओमेगा, XC आपका 1 बाई ओमेगा से होता है मालूम है, ठीक है। इस तरह से आपको कैपेसिटर की रेटिंग फाइंड कर सकते हैं, इतने कैपेसिटर का लगा। तो इसका मतलब कभी क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक्टिव पावर तो आपको गिवन होगी और पावर फैक्टर कुछ दिया रहेगा कि पहले पावर फैक्टर कुछ 0.7 0.6 था, अब पावर फैक्टर 0.9 किया जा रहा है, बढ़ाना है, तो कितना फेरेड का या माइक्रो फेरेड कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, तो हम सिंपल निकालेंगे, हम पहले क्या निकालेंगे क्यू सी पी टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, थीटा वन थीटा टू पता रहेगा, तो वहाँ से क्यू सी निकलेगा। क्यू सी निकल गया तो इस तरह से आप कैपेसिटर निकालोगे अगर ये सिंगल फेज है। ठीक है, और अगर यही बात करते हैं थ्री फेज की बात करेंगे तो जो आपका क्यू सी आया वो एक थ्री फेज रिएक्टिव पावर आ गया, थ्री फेज। ठीक है, तो आपको अगर कैपेसिटर की रेटिंग चाहिए, मान लो डेल्टा कनेक्टेड बैंक है या स्टार कनेक्टेड बैंक है, तो पर फेज कितना कैपेसिटेंस है, पर फेज कितना कैपेसिटर लगा है, तो उसके लिए हमें पर फेज रिएक्टिव पावर चाहिए। तो जो भी आपका क्यू सी आया पहले जो हमने निकाला जैसे ऊपर पी टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, उसको पहले थ्री से डिवाइड कर लिए, थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री से डिवाइड कर लिया। अब ये क्यू सी डैश को ये वाले सेम फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो भी वहाँ से ऊपर से क्यू सी आएगा उसको थ्री से डिवाइड करना है, पर फेज हो गया मामला। अब इसको सेम फॉर्मूला में लगा दिया, वी स्क्वायर बाई एक्सी से, और एक्सी फाइंड कर लेंगे और फिर सी फाइंड कर लेंगे। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ तो वही सिंगल फेज था, एक ही लाइन वो जो भी वोल्टेज था वही वोल्टेज हमने यूज़ किया RMS वैल्यू। यहाँ पे जो ये वोल्टेज है ये आपका वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका लोड जो कैपेसिटर आप लगा रहे हैं वो डेल्टा कनेक्टेड है बैंक या फिर स्टार कनेक्टेड बैंक है। जैसा एक नीचे मैंने बना के भी दिया हुआ कि आपका इस तरह से डेल्टा कनेक्टेड बैंक है कैपेसिटर, आप लोड एंड पे लगाएंगे पैरेलल में, या डेल्टा कनेक्टेड है या फिर स्टार कनेक्टेड है। तो प्रॉपर्टी आपको डेल्टा स्टार की पता है कि अगर डेल्टा कनेक्टेड बैंक होगा तो जो भी कैपेसिटर का वोल्टेज हमको यूज़ करना है यहाँ पे वो सेम होगा जो सप्लाई में लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, जो मेन सप्लाई में हमारा लाइन वोल्टेज चल रहा है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्टर में जो फेज में वोल्टेज आएगा ये हमारा सीधे लाइन वोल्टेज हो जाएगा। और अगर स्टार कनेक्टेड बैंक है इस तरह का, तो स्टार कनेक्टेड में आपको मालूम है क्या कि वी पी एच इज इक्वल टू वी एल बाई रूट थ्री। ठीक, तो यहाँ पे जो हम ये वोल्टेज वी यूज़ करेंगे दैट इज़ वी एल बाई रूट थ्री, तो जो भी लाइन का वोल्टेज रहेगा ये उसका बाई रूट थ्री हम यहाँ पे वी आर एम एस की जगह पे यूज़ करेंगे। तो ये इसका आपको ध्यान देना है, सिंगल फेज और थ्री फेज अलग अलग जब कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं। क्यू सी आपको वैसे निकालना है पी टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, और जैसे क्यू सी निकल जाएगा आप सीधे क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्सी से वहाँ से करके सी निकाल लेंगे। सिंगल फेज में कोई दिक्कत नहीं है। थ्री फेज की बात करेंगे तो क्यू सी जो निकलेगा उसको हमको थ्री से डिवाइड करना है पर फेज के लिए, फिर उसके बाद वी स्क्वायर बाई एक्सी हमने किया यहाँ पे, और वी का ध्यान देना है कि हमको लाइन वोल्टेज लेना है या फिर वी एल बाई रूट थ्री लेना है, डिपेंड करता है डेल्टा बैंक है या फिर स्टार कनेक्टेड बैंक है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करके हम अपना क्या बोलते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई जगह आप कंडेंसर आपने सुना होगा, सिंक्रोनस मोटर हमने पढ़ा, तो सिंक्रोनस मोटर को हम अगर लाइटली लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड मोड में चलाते हैं तो वो भी कंडेंसर की तरह काम करता है। तो कई जगह सिंक्रोनस मोटर भी यूज़ करते हैं एज ए कंडेंसर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो एक तरह की मशीन है तो उसमें पी जो है वो भी कंज्यूम करेगा। मशीन है तो क्यू और पी दोनों का हिसाब किताब होगा, तो पी भी कंज्यूम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आपके सिस्टम को, इसलिए हम उसको बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं करते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर जो है इसी को हम यूज़ करते हैं, ये सिर्फ आपको रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली हमेशा स्टैटिक कैपेसिटर ही यूज़ करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल लूँगा जिसमें हम समझेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपके हर सब्जेक्ट में एक बार आता है। आप जनरेशन ऑफ पावर सिस्टम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ आएगा आपको। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जब बेसिक इलेक्ट्रिकल, वहाँ आपको आएगा। आप सर्किट एनालिसिस पढ़ते हैं, वहाँ आएगा आपको। मशीन स्टार्ट करते हैं आप, वहाँ आपको आएगा। आप पावर सिस्टम वन स्टार्ट करेंगे, वहाँ आपको आएगा। तो लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कई बार ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपके सामने आएगा। अभी तो एक सब्जेक्ट ऐड हो गया एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिटिंग, उसमें भी आपका है कैसे कैपेसिटर बैंक हमको यूज़ करना है, क्या फ़ायदे हैं इसके और कैसा लोकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें भी हैं। तो ये आपको लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हर एक पार्ट में आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, थैंक यू।